भारत में मुस्लिम अपना नेता पैदा क्यों नहीं कर पा रहे। जब यह सवाल मैंने मेरे करीब बैठे आदरणीय मुजीब कुरैशी साहब से पूछा तो उनका वही जवाब था जो 80 के दशक में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रविवार मैगजीन के लिए उदयन शर्मा को दिया था। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक जब नेता बन जाते हैं तो वे बहुसंख्यकों का नेतृत्व करने लग जाते हैं। मुजीब कुरैशी साहब के बारे में बता दूं कि वे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन है। आदरणीय आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। यही प्रश्न मैं आपसे इसका जवाब आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं देखिए ये बात जो है राहुल जी ने एक बैठक करी थी भोपाल में हम लोगों के बीच में ऐसा सवाल आया था। मूल रूप से इंदिरा जी से ये सवाल किया गया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई के बाद में क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी एक कद्दावर पूरे देश के लिए नेता नहीं बना पाई है। इंदिरा जी ने उनके जवाब में ये कहा था कि हम लोकसभा में राज्यसभा में विधानसभाओं में और अन्य स्थानों पर हर जगह अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों को हम अवसर देते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अवसर देते हैं और राज्य के मंत्रिमंडल में भी अवसर देते हैं, लेकिन अनुभव में ये आया है कि वो लोग जब मंत्रिमंडल में मंत्री बन जाते हैं या किसी बड़े ओहदे पर चले जाते हैं तो वो लोग अल्पसंख्यकों में जाकर अल्पसंख्यक मुस्लिम का ख़ास तौर पे काम करने में ज़रा हिचकिचाहट महसूस करते हैं और बहुसंख्यक लोगों का नेतृत्व करने लग जाते हैं। यहाँ आने पर बहुसंख्यकों में काम करने पर वो अल्पसंख्यकों में उतने लोकप्रिय नहीं रह पाते जितना कि उनके लिए जिम्मेदारी है काम करने की, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं और इन्हीं कारणों से वो अक्लियत में जो नेतृत्व करने के उनके जो ड्यूटी है जो उनका फ़र्ज़ है कि वो करें और उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें उसमें वो फेल हो जाते हैं। जी जैसा मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने में आता है कि मुस्लिम लीडर्स को समुचित अवसर नहीं मिल रहा, आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसमें देखिए सब, अगर ये बात सच है कि 50% तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं कि हमारे अपने जो नेतृत्व की पंक्ति में जो लोग काम करते हैं नगर पालिका में, ग्राम पंचायत में, जनपद में, जिला पंचायत में, जो लोग बेचारे काफ़ी संघर्ष करके ऊपर आते हैं उन्हीं को फिर पीछे करने के लिए समाज में कुछ लोग अपने आ जाते हैं जो उनको डिस्करेज करते हैं। तो आधा तो काम वो बेचारे जिस किसे बड़ी मुश्किल से तो आते हैं वो जिला और प्रदेश स्तर पर राजनीति करते हुए और अनुभव करते हुए काम करते हुए, तो जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम और बाकी जो है दूसरा काम है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विचारधारा फैलाई जा रही है संकीर्णता की, उस वो भी एक कारण है। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी को कितना प्रतिनिधित्व मिला और विधानसभा पर जाया जाए तो क्या आपने जो मांग की थी टिकटों की उसको माना गया? विधानसभा में हम लोगों ने पिछली मर्तबा की तरह 5 टिकट की डिमांड की थी जी, जिससे पार्टी हाईकमान सहमत थे जी, और हम लोगों को ये कहा गया था कि आप 5 नाम बताइए जो जीत सकते हैं जी, जिसको भी आप नाम प्रस्तावित करेंगे हम उनको टिकट दे देंगे जी। इस सिलसिले में हम जिन लोगों से भी हमने बातचीत करी उसमें कई लोगों ने इनकार कर दिया कि हम जीत नहीं पाएंगे वर्तमान परिस्थिति में, इस वजह से वो जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बुरहानपुर का उल्लेख करना चाहूँगा कि वहाँ तो हमने हमीद काजी साहब जो पूर्व में विधायक थे उन्हीं का नाम प्रस्तावित किया था, उनका टिकट भी अनाउंस हो गया था लेकिन उन्होंने फिर एन वक्त पे जो है अपना सरेंडर कर दिया टिकट जी। इसी तरह हमने रतलाम शहर को भी आइडेंटिफाई किया था जी, कि यहाँ से भी संभावित उम्मीदवार किया जा सकता है। जावरा में तो पिछली मर्तबा
जिसको टिकट दिया गया था उसी का नाम, क्योंकि 5 साल तक उसने निरंतर मेहनत की थी, जनपद को जिता के लाया था वो जी, तो उसका नाम दिया था हमने। फिर इंदौर नंबर 5 से हमने जो अभी नेता प्रतिपक्ष है फौजिया अलीम जी, उसका नाम दिया था जी, कि ये भी अच्छी उम्मीदवार है जी। लेकिन पार्टी की तरफ से जो विभिन्न 3 स्तरों पे जो सर्वे किया गया था उसमें ये लोग नहीं पाए गए जीतने लायक जी। तो ये रिपोर्ट जब हमें बताई गई तो हमने कहा था मेन लक्ष्य हमारा किसी भी तरह से कांग्रेस को जिताना है, तो हमें टिकट मिले ना मिले उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन हम इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, और अल्पसंख्यकों को अगर कहीं देना ही है तो सरकार बनने के बाद किसी अच्छे प्रतिनिधि दे दिया जाए, किसी कॉरपोरेशन में, राज्यसभा में, कहीं पर भी हम इनको समायोजित कर दिया जाए। इस पर पार्टी हाईकमान ने सहमति दी और 3 टिकट दिए थे जिसमें से 2 जीते हैं, एक आरिफ अकील और आरिफ मसूद भोपाल से जीते हैं जी। और सिरोन से मसरत शाहिद को दिया गया था तो वो हार गई जी। जैसे बुरहानपुर से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं लड़ा तो उसके विकल्प में आपको कहा गया होगा? हाँ, मुझे भी कहा गया था कि मुझे तो यहाँ तक की ऑप्शन दी गई थी कि मध्य प्रदेश में आप जहाँ भी जीत सकते हो जी, आप को हम टिकट दे सकते हैं। फिर आप क्यों नहीं लड़े सर? लेकिन मैंने इस दृष्टि से तैयारी नहीं करी थी जी। मैंने तैयारी ये की थी कि किसी तरह भी कांग्रेस को जिताना है, ये अल्पसंख्यक जीते या बहुसंख्यक जीते जी, उससे मैंने नाता नहीं रखा। केवल एक लक्ष्य रखा था कि अल्पसंख्यक के नाम पर अगर टिकट मिलना ही है तो जैन समाज को मिल जाए, सिख समाज को मिल जाए। इसी नाते सिख समाज के हमने 2 टिकट लिए थे जी। एक तो अभी विधायक हैं हमारे जी। एक हमने इंदौर नंबर 4 से लिया था जी। और इसी तरह जैन समाज के भी हमारे 3 टिकट हैं जी। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो, अगर यूँ देखा जाए तो मुस्लिम को के नाम पर तो 3 टिकट, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को अगर टिकट के नाम बता तो 13 टिकट मिले हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा में जी। तो ये तो मेरी सफलता है कि मैं 13 टिकट दिलवा दिया अल्पसंख्यक को। अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं है कि केवल मुसलमान जी। मेरे पहले ये अवधारणा थी जब मैं चेयरमैन बना कि कांग्रेस पार्टी में भी यही माना जाता था कि अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान जी। मैंने इस धारणा को तोड़ा और जैन समाज के जो नेता हैं उनको आगे लाया, मैं सिख समाज के नेताओं को आगे लाया, ईसाई समाज के लोगों को आगे लाया, मैं महिलाओं को भी उसमें लाया हूँ मैं आगे, और सबको ऐसा कार्यक्रम जहाँ भी हमने किए प्रदेश भर में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, सब दूर इन तमाम वर्गों को पहले मैंने प्राथमिकता दी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को इस तरह से जोड़ा कि एक ये भावना बन गई कि वाकई में अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान नहीं बल्कि ये तमाम जो धर्म के पालन करने वाले हैं वो सब मिलकर ही अल्पसंख्यक हैं जी। हम लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नहीं जाते, अगले 5-6 महीने में नगर निगमों में चुनाव होने वाले हैं जी, कैसा देखते हैं आप? देखिए, हर चुनाव का अपना एक नज़रिया होता है और हर चुनाव की अपनी परिस्थिति होती है। विधानसभा में हम जो है चुनाव, जिन विधानसभाओं में हमने जीते, जैसे मैं अपने धार ज़िले का उदाहरण आपको बता दूं कि हम विधानसभा का अगर परिणाम देखा जाए तो 230,000 से अधिक मतों से टोटलिटी में हम बीजेपी से आगे थे, लेकिन अभी जो है वो 230 माइनस करके अभी हम लगभग 160 के आसपास हमें कम मत मिले हैं। तो हर चुनाव का अपना एक परिस्थिति होती है और हर चुनाव की स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होती है और उम्मीदवार को लेकर भी चुनाव होता है। तो ये अब नगर निगम, नगर पालिकाओं के और ग्राम पंचायत और सहकारिता के भी चुनाव होना है, तो नगर पालिका के चुनाव में भी हम लोग जो हैं
अच्छे से तैयारी करेंगे, जैसा विधानसभा में हमने की थी उसी तर्ज पर हम मतदान करवाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। जी खासकर कुरैशी साहब, नगर निगम चुनावों में ऐसा कहा जाता है और ऐसा पाया भी गया है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा देती है, अल्पसंख्यक मुस्लिम नेता ही अल्पसंख्यक मुस्लिम नेता की टांग खींचते हैं और उसे हरा देते हैं। ये जो अव्यवस्था है, इसे व्यवस्था में बदलने के लिए आपकी ओर से, सरकार की ओर से क्या कोशिश? देखिए, हम लोग अभी ये प्रयास कर रहे हैं, हमने समन्वय समिति का गठन करवाया है जी। उसमें हर तरह से समन्वय प्रत्येक वार्ड में हो और जो हर वार्ड में जो प्रभावशाली लोग हैं वो और कार्यकर्ता सब मिलकर जीतने वाले उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करें और बाकी जो लोग जीत नहीं सकते हैं उनको समझाइश करके कहीं और समायोजित करने का उनको आश्वासन दिया जाए, इस पर हम अभी काम कर रहे हैं जी। जैसे शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगभग 12 साल रही, उसके पहले बाबूलाल गौर अल्पकाल के लिए सीएम बने थे, उसके पहले उमा भारती जी बनी, इन 15 सालों में यदि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा उनके अधिकारों से वंचित किया गया हो, उन्हें न्याय नहीं मिला हो, तो उसको आप डिस्क्राइब करें और ये बताएं कि कमलनाथ जी की जो सरकार आई है, खासकर दिग्विजय सिंह जो कि पार्टी के मेंटोर हैं, पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री कहा जाता है उन्हें, आप निश्चित रूप से इनके जीवन संपर्क में हैं, तो आप उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्था में बदलवाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी ये पिछले मर्तबा अगर आप पूरा परिदृश्य उठा कर देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में चाहे शिवराज जी रहे हों, चाहे बाबूलाल जी रहे हों, चाहे उमाश्री रही हों, इनके तीनों के 15 वर्ष का जो कार्यकाल है इनमें अल्पसंख्यक वर्ग, ख़ास तौर पे मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, सभी समाजों के आप देख लीजिए जितनी भी योजनाएं हैं इन वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन योजनाओं को के माध्यम से इन वर्गों को लाभान्वित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, बल्कि जो लक्ष्य दिए गए थे, जो आवंटन होना था केंद्र सरकार द्वारा जी, जो राज्य सरकार द्वारा, वो भी कई आवंटन तो हुए ही नहीं और जो आवंटन हुए लैप्स हो गए। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और उसके पहले अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक नीति बनी थी कि उर्दू को प्राथमिकता देके उनके ज़बान को पढ़ाने के लिए हर शाला में एक ऐसा शिक्षक ज़रूर होना चाहिए जो उनको उर्दू भाषा पढ़ा सके जी। इसके लिए ये था कि 15 या 20 पालक अगर लिख कर दे देंगे कि हमारे बच्चे के लिए उर्दू शिक्षक की आवश्यकता है जी, तो शासन को आवश्यक रूप से एक उर्दू शिक्षक नियुक्त करने का प्रावधान करना पड़ेगा, बजट आवंटन करना पड़ेगा और पद की स्वीकृति देना पड़ेगी। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के तीनों मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, खासतौर पर शिवराज जी के कार्यकाल में एक भी पद स्वीकृत नहीं किया गया, बल्कि जो बजट आवंटन था उसमें कई लोग रिटायर्ड हो गए और ट्रांसफ़र हो गए, वो जो रिक्त पद थे सेंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट उसको भी भरा नहीं गया। इनकी भर्ती की प्रक्रिया कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी नहीं की गई। इसी तरह वक्फ बोर्ड में जो नॉमिनेशन होना था जी, अध्यक्ष के अलावा बाकी जो कोरम पूर्ति के लिए जितने सदस्यों की नियुक्ति होना थी उन सदस्यों की भी संख्या कम कर दी गई जी। और वक्फ बोर्ड में भी वक्फ की जो संपत्ति ईश्वर के लिए नाम पर जिन लोगों ने वक्फ कर दी है जी, ताकि वो वक्फ संपत्ति का लाभ उनको मिल सके और उसका पुण्य वो प्राप्त कर सकें, तो वक्फ संपत्ति के इस उद्देश्य की पूर्ति न करते हुए
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अध्यक्ष के दौरान वक्फ की संपत्ति जो है खुर्द बुर्द की गई और कई जगह अभी छिंदवाड़ा का एक केस आया है। इसी तरह हमारे वक्फ मंत्री वर्तमान में जो हमारे आरिफ भाई हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं और वक्फ को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए बड़ी मेहनत से वो काम कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें कि अल्पसंख्यकों के लिए और पिछड़ों के लिए अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम बना हुआ है, उस निगम को भी इन्होंने केवल कागज़ों पर रखा, कोई आवंटन नहीं किया गया, ना किसी तरह से कोई किसी को लाभ पहुंचाया गया, ना हितग्राहियों को कोई राशि बढ़ाई गई या दी गई, उसमें भी फेल रहे हैं ये। फिर इसके बाद मदरसा बोर्ड, मदरसा बोर्ड के जो कंसेप्ट है ये माननीय अर्जुन सिंह जी जब HRD मिनिस्टर थे केंद्र में तब बनाई गई थी, जिसमें इस बात का उद्देश्य तय किया गया था कि परंपरागत रूप से मदरसों में वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उन बच्चों को शिक्षा अन्य लोगों के साथ साथ समानता का अवसर मिले शिक्षा का, और समाज के सभी वर्गों के साथ में भी वो बराबरी के साथ में शिक्षा पा सकें, इस उद्देश्य से उन्होंने विज्ञान का और भाषा का इन दो विषय विशेषज्ञों के लिए मदरसा में व्यवस्था की गई थी कि इनको तनख्वाहें जो हैं 3,000 रुपये महीना सरकार देगी। इस तरह दो विषय के जानकारों को शिक्षक नियुक्त करने का मदरसा आधुनिकीकरण के योजना में सम्मिलित किया गया था। प्रतिवर्ष जो है इसमें उनको जो राशि दी जाना थी रजिस्टर्ड मदरसा बोर्ड के जो लोग पात्र थे उन लोगों के लिए ग्रांट भी मोदी सरकार ने बंद कर दी और शिवराज सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि मदरसा बोर्ड में भी जो ग्रांट आनी थी वो बंद हो गई। आज भी वो मदरसे तो काम कर रहे हैं, वही लोग आज भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन बेचारों को 3,000 रुपये महीना भी नहीं मिल रहा है। केवल 3,000 रुपये 100 रुपये रोज के हिसाब से जो शिक्षा दी जा रही है ऐसे शिक्षकों को उनके अधिकार से वंचित करने वाले लोग क्या न्याय कर रहे हैं, ये विचारणीय विषय है। इसमें जो बच्चों को समान अवसर मिल के दूसरे जाकर पढ़ने लिखने और बढ़ने का अवसर जो इस योजना में बनाया गया था उसको पूरी तरह फेल कर दिया गया। अभी मोदी जी ने दूसरे टर्म्स में जब उनको एक कार्यकाल मिला है अभी उन्होंने घोषणा की है, ये घोषणा कोई नई घोषणा नहीं है, ये वही है जो माननीय अर्जुन सिंह जी ने मानव संसाधन मंत्री बनने के समय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में अर्जुन सिंह जी थे HRD मिनिस्टर जी जी हाँ, जब नरसिंह राव थे नरसिंह राव जी तब हुआ था, और फिर मनमोहन सिंह जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे तब भी वही थे HRD मिनिस्टर, तब ये योजना लागू तब इन लोगों ने विरोध किया था जी। और कहते कि इन्होंने ये आरोप लगाया था कि मदरसा में जो शिक्षा आतंकवाद की दी जाती है जी। तो मोदी जी ने अभी जो आधुनिकीकरण की बात की है ये वही तो योजना है कि इन्होंने कोई नया काम नहीं किया है जी। इन्होंने अर्जुन सिंह जी के ही योजना को कांग्रेस की योजना को अपने नाम से देने की जो उनकी आदत है कि उनके कांग्रेस शासन की जितनी भी कार्यक्रम थे उन्होंने अपना नया रूप देकर नया कहें कि पर्दा डालने के भाई हम नया कर रहे हैं, आम जनता को नई नई जो पौध है नए युवक हैं जिनको मालूम ही नहीं है तो उनको ये बताने के लिए सब क्या वस्तु स्थिति में ये कांग्रेस की ही स्कीम थी जिसको ये थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आपके सामने लाए। जी जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने 2-3 बार बयान दिया कि बोस कहेंगे तो 22 मिनट में कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे। उसका जवाब यह है कि कमलनाथ जी बीते दिनों
नरेंद्र मोदी जी से मिले और जिस बॉडी लैंग्वेज में वे बैठे, वो बॉडी लैंग्वेज कहती थी कि वहाँ से कभी कोई इस तरह का आदेश नहीं होगा, इस तरह की कोशिशें नहीं होंगी। लेकिन अभी एक कयास और लगाया जा रहा है कि जनवरी में मध्य प्रदेश में मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे, आपका क्या विचार है इस बारे में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय हों या और कोई हों, जी, ये सबके द्वारा अस्थिरता फैलाई जा रही है। जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मैंडेट दिया है और माननीय कमलनाथ जी ने जिस गति से काम शुरू किया है, जिस संजीदगी से वो सरकार चला रहे हैं और लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहे हैं, उससे ये सब विचलित हो गए हैं। ख़ास तौर पे किसानों के लिए जो कर्ज माफ़ी का उन्होंने शुरुआत की है, पहली किस्त जारी की है, उसमें भी ये काफ़ी भ्रम फैला रहे हैं कि 2 लाख तक नहीं मिलेगा, जबकि वास्तविकता ये है कि शिवराज जी की सरकार जब गई तब खजाना खाली था और उस खजाने की पूर्ति के लिए इतना राशि उपलब्ध नहीं थी कि एक साथ सबको 2 लाख रुपए दिए जा सकें। इस वजह से उन्होंने किस्तों में ये निर्णय किया है कि अभी पहली किस्त में हमने जिन लोगों को पात्रता में पाया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनको हम अभी दे रहे हैं, बाद में फिर जो भी पात्र पाए गए हैं उनको भी दिया जाएगा और 5 वर्ष के लिए सरकार चलेगी और स्थायी सरकार चलेगी और जन आकांक्षा के अनुरूप जो है काम होगा। जी, जैसे कि मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, आपने उसमें बौद्धों को भी माना है, जोड़ा है, जैन्स को भी माना है, जोड़ा है, सिखों के लिए भी आपने काम किया है, यदि आप सभी की आवाज़ हैं और आपको कोई प्राप्त करना चाहे, अपनी समस्या बताना चाहे, तो आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मेरा अपना नंबर सबके पास है, ज़िले में है जी, और मेरे हर जगह मेरी बॉडी बनी हुई है जी, पूरे मध्य प्रदेश में जी, मेरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश से लेके वार्ड स्तर तक गठित हो चुका है और हर जगह अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता मौजूद हैं। उसमें ईसाई को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिला है और सिखों को भी रिप्रेजेंटेशन मिला है, जैन समाज के लोगों को भी मैंने बहुतायत में महिला पुरुष सबको आगे लाके उनको किया है। तो हर वर्ग के लोग जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने जितने भी नेतृत्व हैं सब अच्छे प्रभावशाली लोगों को ही मैंने लिया है, वो उनके माध्यम से, वो प्रदेश कांग्रेस में हमारा अल्पसंख्यक विभाग का एक चैम्बर है, वहाँ हम बैठ के हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, जब कभी कोई समस्या होती है वो हमें बताएं, हम सरकार से जो भी उनकी पूर्ति करना है, उनकी समस्या का निराकरण करवाना है, हम करने के लिए संकल्पित हैं और सभी वर्गों के लिए। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हूँ मैं ज़रूर अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन जी, लेकिन मूल रूप से कांग्रेस का हूँ, तो अल्पसंख्यक के अलावा भी अगर कोई बहुसंख्यक आता है तो मेरा द्वार तो उसके लिए हमेशा खुला है। पहले मैं उसका काम करूँगा, बाद में छोटे भाई का करूँगा, बड़े भाई का काम पहले करूँगा। आदरणीय मुजीब कुरैशी साहब हमारे बीच आए, हमसे बात की, हमारी जिज्ञासा को शांत किया, उसके लिए मैं ग्लोबल टीवी की ओर से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।